कांग्रेस नेता जोशीमठ में मौजूदा स्थिति को देखने के लिए पहुंचे हैं और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं से बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये सभी वहां पर पहुंचे हैं जोशीमठ में ग्राउंड जीरो पर। जोशीमठ के वर्तमान हालातों को देखते हुए आज कांग्रेस के सभी नेता जोशीमठ पहुंचे हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों का निरीक्षण उन्होंने किया है, किस तरीके की स्थिति है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी। सर, आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं, आपदा प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे, कैसी स्थिति देख रहे हैं आप इस समय वर्तमान में? बहुत ही दुख है और मिल नहीं रहे हैं, हम मिले हैं, बहुत सारे परिवारों से अभी यहाँ पर आए हैं, मिले हैं हमारे साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। करण महाराज जी, स्थानीय विधायक हमारे राजेंद्र भंडारी जी, पूर्व अध्यक्ष हमारे गणेश गोदयाल जी, CLP लीडर हमारे यशपाल आर्य जी, हम सभी सुबह से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, लोगों से जो पीड़ित हैं उनसे मिलने की कोशिश की है, उनसे मिले हैं, उनका दुख जानने की कोशिश की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स सरकार के द्वारा इस आपदा के दौरान किए जा रहे हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नाकाफ़ी हैं। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही क्या जो भुगतना पड़ रहा है, आज यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से अनप्लान डेवलपमेंट इस पूरे क्षेत्र में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में अनप्लान डेवलपमेंट की जो बाढ़ आई है उसके ऊपर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। अगर ये अंकुश नहीं लगेगा तो इस तरीके की आपदाएं आज जोशीमठ में है, कल कर्णप्रयाग में जहाँ पर हम अभी जा रहे हैं वहाँ पर भी हमने सुना है कि कुछ क्रैक्स आए हैं, हम वहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पर भी उसका असेसमेंट करेंगे। एक पूरी रिपोर्ट यहाँ से तैयार हम कर रहे हैं। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी जो लगातार लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने चिंता जाहिर की थी। देखिए, 2021 में 7 फरवरी को जो रिहाणी में जो NTPC की टनल में फ्लड आया था उसमें कई लोग हताहत हुए थे, मशीन वहीं बंद रही। और फ्लड जब होता है जो पानी है उसका प्रेशर हर कोई जानता है, उसको जहां कच्ची मिट्टी कच्चा पत्थर मिला वहां से उसने फाड़ते हुए JP के नीचे से वो पानी निकला और कई हफ्तों तक वो पानी 1000 LPM से ज़्यादा था। और जब मैं पिछली विजिट में आया था तभी भी वो 200-250 LPM था, मैं और आदरणीय विधायक जी वहाँ गए थे और उसने पूरी गाद मिट्टी काटते हुए नीचे से ले गया। तो ये तो हर कोई समझ सकता है। और जब यहाँ के लोगों को ये शंका है तो जूलॉजिस्ट को बुलाकर उसकी जाँच होनी चाहिए, आखिर नीचे जो खोखलापन आया है इसमें वो कैसे आया। और जब अस्पताल की बिल्डिंग धंसनी शुरू हुई थी उसके नीचे के वार्ड में 1 साल पहले क्रैक्स आ गए थे, मकान टूट रहे थे, तभी सरकार को चेत जाना चाहिए था। मैं इसमें लापरवाही भी मानता हूँ, मैं इसमें जो कॉरपोरेट्स हैं उनके आगे सरकार का झुकना भी देख रहा हूँ, क्योंकि लगातार अलग अलग बयान हो रहे हैं। अजय भट्ट जी कहते हैं अभी जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आएगी तब मैं सही बात कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री उसी दिन कहते हैं कि साहब NTPC को कोई गलती नहीं है, एक तरफ कहते हैं कि साहब हमने काम रोक दिए और आपके ही किसी साथी ने 10 तारीख की रात को 2 बजे एक वीडियो जारी किया था कि NTPC की टनल में काम चल रहा है। तो आखिर ये क्या क्या मजाक है? पूरा एक संस्कृति को समेटा हुआ ये राज्य, ये शहर है जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य जी का की गद्दी, हमारे नरसिंह भगवान का घर, बद्रीनाथ जी 6 महीने रहते हैं, जो मतलब सरकार को संवेदनशील होना चाहिए था। और इसी बीच बड़ी अपडेट, जोशीमठ दौरे पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। धार्मिक पर्यटन के बारे में हो रही है निगेटिव पब्लिसिटी, ये उनका कहना है, लोगों को अफवाह में आने की जरूरत नहीं। सतपाल महाराज कह रहे हैं जोशीमठ पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचते ही बयान दिया उन्होंने, नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई हमारे शीतकालीन टूरिज्म की, तो हम चाहते हैं कि विंटर गेम्स को हम करें। और अभी वहां पर कुछ पानी थमा है, करीब 240 लीटर प्रति मिनट से अब जाकर के 100 लीटर हो गया है और पानी कम होता जा रहा है, दरारें भी अब कम हो रही हैं। तो निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि शीतकालीन जो हमारे विंटर गेम्स होते हैं और स्कीइंग होती है उनको हम जो है संपन्न करें, और जो सेफ एरिया है वहीं पर हम ये करेंगे और वहां की स्थिति क्या है वो सब देखने जा रहे हैं। इधर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जोशीमठ आपदा को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में पानी का डिस्चार्ज बहुत घट गया है, अभी तक 258 परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सेंट्रल टेक्निक संस्थाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक भी की है और इसमें जोशीमठ का विस्थापन,
और पुनर्निर्माण के कामों को प्राथमिकता में रखने के साथ ही कम से कम समय में इन कामों को पूरा किए जाने की बात कही गई है। इस बीच आपदा प्रबंधन सचिव ने यह भी कहा कि एनटीपीसी ने पूरे जोशीमठ का सर्वे नहीं कराया था, प्रोजेक्ट से जुड़े लैंड का ही सर्वे हुआ था, टनल के दोनों और 250-250 मीटर क्षेत्र में ही सर्वे हुआ था। तो टनल से पानी लिया गया था, जो पानी इधर निकल रहा है, दोनों का प्रोफाइल डिफरेंट है, लेकिन उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि वो अभी डिटेल जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कोई अंतिम नतीजे पर पहुंचेंगे। जब मैंने पूछा एनटीपीसी के साथ करीब 2 घंटे हमारी रात में 6-5 तारीख को 2 घंटे 9 से 11 बजे तक हमारी चर्चा हुई थी, मैंने पूछा कि क्या जोशीमठ में आप लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जोशीमठ एरिया में कोई इस तरह के जियो टेक्निकल जियो फिजिकल या कोई भी तरह का इन्वेस्टिगेशन कराया हो तो रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें, सो दैट वी कैन फिर फर्दर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके द्वारा कहा गया कि वो अपने जो जहाँ पर टनल कर रहे हैं उस लाइन में तो किया है, लेकिन पूरे जोशीमठ का नहीं किया जोशीमठ एरिया में। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।